सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसमें पहली टेक्निक जो थी वो थी इंसिनरेशन। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग जो बची हुई दो टेक्निक हैं, जो कि है प्लाज्मा पायरोलिसिस और दूसरी है ऑटोक्लेव, ठीक है, उसको देखेंगे। अच्छा, ऑटोक्लेव जो है वो खाली एक तरीके से नहीं होता, उसके दो मेथड्स हैं। पहला होता है ग्रेविटी फ्लो ऑटोक्लेव, दूसरा जो होता है वो होता है वैक्यूम ऑटोक्लेव। तो दोनों ही मेथड्स को देखेंगे, क्या इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन है, राजस्थान जूनियर इंजीनियर या फिर वेस्ट बंगाल जूनियर इंजीनियर में जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनमें से इनसे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि सेकेंडरी चैम्बर का टेम्परेचर कितना होगा या फिर कम्बशन एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग ने एक टेक्निक पढ़ ली थी पहली वाली इंसिनरेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड टेक्निक, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के काम आती है, और उस टेक्निक का नाम है प्लाज्मा पायरोलिसिस। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स जो बने थे, ये बने कब थे? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है, ये बने थे 1998 में। ठीक है, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो हाल फिलहाल को एग्जामों में आया कि बैटरीज एक्ट या फिर बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। ठीक है, इनका एक्ट का पास किया था सरकार ने 2001 में। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हो गए, और इंसिनरेशन हम लोग ने पढ़ा था, उसको लास्ट में रिवाइज कर लेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं जो सेकेंड टेक्निक है, जिसका नाम है प्लाज्मा पायरोलिसिस। तो प्लाज्मा पायरोलिसिस भी काफ़ी हद तक जो है इंसिनरेशन की तरह होती है। इसकी पहले ऑपरेटिंग कंडीशंस पढ़ते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग कंडीशंस प्लाज्मा पायरोलिसिस की ऑपरेटिंग कंडीशंस। ठीक है, तो पहली ऑपरेटिंग कंडीशन जो प्लाज्मा पायरोलिसिस की वो है कि कम्बशन एफिशिएंसी हमारे पास 99% होनी चाहिए। जो कम्बशन एफिशिएंसी हमारे पास होनी चाहिए वो 99% होनी चाहिए, और कम्बशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पे भी वही सेम है, परसेंटेज ऑफ CO2 अपॉन परसेंटेज ऑफ CO2 प्लस परसेंटेज ऑफ CO, ठीक है, इनटू 100। तो ये हमारे पास होता है कम्बशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला कि परसेंटेज ऑफ CO2 अपॉन परसेंटेज ऑफ CO प्लस परसेंटेज ऑफ CO2 इनटू 100। ठीक है, और यहाँ पे भी वही रूल है जो कि इंसिनरेशन में था कि हमारे पास कम्बशन एफिशिएंसी 99% होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होना चाहिए कम्बशन चैम्बर का वो कितना होना चाहिए? ठीक है, तो ये वो भी सेम है जो कि इंसिनरेशन में था, यानी कि 1050 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो इंसिनरेशन में कम्बशन चैम्बर का टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 1050 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन टेम्परेचर की सेम है, इंसिनरेशन में भी सेम है और इसमें भी। उसके अलावा गैस का रेजिडेंस टाइम यहाँ पे भी सेम है कि गैस रेजिडेंस टाइम जो होना चाहिए, गैस रेजिडेंस टाइम यहाँ पे भी 2 सेकंड्स होना चाहिए, जो कि इंसिनरेशन में भी 2 सेकंड्स था। उसके बाद तीसरी कंडीशन है, वो भी सेम है कि जो स्टैक हाइट है हमारे पास, जो कि इंसिनरेशन में 30 मीटर अबव द ग्राउंड होनी चाहिए थी मिनिमम, वो भी यहाँ पे भी 30 मीटर मिनिमम स्टैक हाइट अबव द ग्राउंड होनी ही चाहिए। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशन हमारे पास सेम है जो प्लाज्मा पायरोलिसिस या फिर गैसिफिकेशन की है। बस एक डिफरेंस है, एक सेकेंड सर, नहीं डिफरेंस नहीं, बस ये तो ये टेक्निक्स हमारे पास है, मतलब कि टेम्परेचर जो है 1050 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद गैस का रेसिडेंस टाइम चैम्बर में 2 सेकंड्स का मिनिमम, ठीक है, स्टैक हाइट मिनिमम जो है वो है 30 मीटर, और 3% ऑक्सीजन होनी चाहिए स्टैक गैस, ठीक है, मिनिमम। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो थर्ड टेक्निक है, जिससे हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, जो कि है ऑटोक्लेव ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स फॉर ऑटोक्लेविंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ऑटोक्लेविंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ऑटोक्लेविंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, ऑटोक्लेविंग जो होती है 2 प्रकार से होती है बायोमेडिकल वेस्ट की, जैसे कि पहले बताया था, पहली जो होती है वो होती है ग्रेविटी फ्लो और दूसरी होती है वैक्यूम ऑटोक्लेव। तो पहली जो टेक्निक होती है वो होती है हमारे पास ग्रेविटी फ्लो, और जो दूसरी टेक्निक होती है बायोमेडिकल वेस्ट की वो होती है आपकी ये
कौन सी थी? एक तो है ग्रेविटी फ्लो, दूसरी है वैक्यूम ऑटोक्लेव, ठीक है, दूसरी है वैक्यूम ऑटोक्लेव। जो पहली टेक्निक है ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेविंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट की, उसमें पहली जो टेक्निक है वो है ग्रेविटी फ्लो के द्वारा हम लोग करते हैं, और दूसरी जो है वो है वैक्यूम ऑटोक्लेव। तो इसमें क्या हुआ है कि कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन लिखी हुई हैं ग्रेविटी फ्लो के लिए भी और वैक्यूम ऑटोक्लेव के लिए भी, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं, ठीक है, तो इनको डिस्कस करते हैं। और यही चीज़ आती भी है इस टॉपिक से, सिर्फ बाकी इसमें और कुछ नहीं आता। तो पहला जो हमारे पास है वो है ग्रेविटी फ्लो ऑटोक्लेव, ग्रेविटी फ्लो ऑटोक्लेव। इसमें पहला रूल जो है वो ये है कि या तो जब आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप जब ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, या तो टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में है कि टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, और प्रेशर 15 PSI होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए 15 PSI। ये दोनों कंडीशन कब होनी चाहिए? जब आपका जो ऑटोक्लेव रेसिडेंस टाइम है वो कम से कम 60 मिनट का हो, ठीक है। ऑटोक्लेव रेसिडेंस टाइम आपका जब 60 मिनट का होगा तो टेम्परेचर आपको 121 डिग्री सेल्सियस रखना है और प्रेशर आपको 15 PSI रखना है। जबकि जब टेम्परेचर, जब आपका जो ऑटोक्लेव का रेसिडेंस टाइम है ये 45 मिनट का होगा, जब आपका ऑटोक्लेव का रेसिडेंस टाइम 45 मिनट का होगा, तो टेम्परेचर 135 और प्रेशर 31 PSI। टेम्परेचर आपको रखना है 135 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर आपको रखना है 31 PSI। इसी प्रकार से थर्ड कंडीशन जो ग्रेविटी ऑटोक्लेव के लिए होती है वो ये है कि अगर आप रेसिडेंस टाइम को और कम करोगे तो ऑफकोर्स प्रेशर बढ़ाना होगा और टेम्परेचर भी बढ़ाना होगा। तो इस केस में अगर आपको 30 मिनट का रेसिडेंस टाइम रखना है, इस केस में अगर आपको 30 मिनट्स का रेसिडेंस टाइम रखना है, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर कितना रखना होगा? 149 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर, टेम्परेचर 149 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो है प्रेशर जो है आपको रखना होगा 52 PSI, 52 PSI, ठीक है, जो आपको ठीक है। तो ये ग्रेविटी फ्लो की तीन कंडीशन, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है, और बस यही क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। तो ये कंडीशन याद करनी है, रटनी है, जैसे भी हो, कि अगर हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट हम लोग ऑटोक्लेविंग यूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोक्लेविंग के अंदर अगर हम लोग ग्रेविटी फ्लो मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर रेसिडेंस टाइम 60 मिनट का है, ठीक है, तो प्रेशर 121 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मिनिमम, और सॉरी टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 15 PSI। इसी प्रकार से अगर रेसिडेंस टाइम आप घटाते जाएंगे तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब की बार अगर रेसिडेंस टाइम 45 मिनट का है तो जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 135 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हो जाएगा 31 PSI। जबकि अगर रेसिडेंस टाइम को फर्दर रिड्यूस करते हैं तो टेम्परेचर हो जाएगा 149 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हो जाएगा 52 PSI, ठीक। तो पहला डेटा क्या था? 121 15 60। दूसरा डेटा जो है वो है 135 31, ठीक है, और 45। और तीसरा डेटा जो है वो है 149 52 और 30 मिनट्स। इन्हें बिल्कुल याद करना है, इन कंडीशंस को फिर से रिकॉल करते हैं। तो पहला, अगर टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 15 PSI है, तो रेसिडेंस टाइम होगा 60 मिनट। जबकि अगर रेसिडेंस टाइम जो है 45 मिनट है, तो टेम्परेचर होगा 135 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर जो होगा वो होगा 31 PSI। और अगर रेसिडेंस टाइम है 30 मिनट्स, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रेशर होगा वो होगा 52 PSI, जबकि जो टेम्परेचर होगा वो होगा 149 डिग्री सेल्सियस। तो तीन टेम्परेचर हैं, 121, 135 और 149, 121, 135, 149, जबकि जो प्रेशर है वो है 15, 31, 52। ओके, तो ये तो जो था, ये हमारे पास था ग्रेविटी फ्लो। अब आते हैं सेकंड जो स्टेप है इसमें, वो है वैक्यूम ऑटोक्लेव, ठीक है। तो वैक्यूम ऑटोक्लेव मेथड जो होता है, इसमें मेडिकल वेस्ट को मिनिमम 3 पल्स वैक्यूम पल्स दी जाती हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप पे आते हैं, सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड का नाम है वैक्यूम ऑटोक्लेव। सेकंड मेथड का जो नाम है वो है वैक्यूम ऑटोक्लेव। तो वैक्यूम ऑटोक्लेव में क्या होता है, लेट अस सी इट थ्रू। वैक्यूम ऑटोक्लेव में सबसे पहले मिनिमम 3 प्री वैक्यूम पल्स दी जाती हैं। सबसे पहले 3 प्री वैक्यूम पल्स दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं, वी विल डिस्कस, ठीक है।
सबसे पहले 3 प्री वैक्यूम पल्स दी जाती हैं ताकि जो भी एयर है सॉलिड वेस्ट के साथ, ठीक है, उसे पर्ज किया जा सके, पर्ज मतलब उसे बाहर निकाला जा सके। तो ये 3 प्री वैक्यूम पल्स दी जाती हैं। अब शुरू होता है हमारे पास वही सिस्टम टेम्परेचर प्रेशर का। तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि अगर आपका प्रेशर, अगर आपका रेसिडेंस टाइम, ठीक है, 45 मिनट का आप रखना चाहते हैं अपने रेसिडेंस टाइम को, तो अगर आपको अपना रेसिडेंस टाइम 45 मिनट का रखना है तो टेम्परेचर आपको रखना होगा आपके पास 121 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 15 PSI। इसी प्रकार से अगर आपको अपना रेसिडेंस टाइम रखना है 30 मिनट्स, ठीक है, अगर आपको अपना रेसिडेंस टाइम रखना है 30 मिनट्स तो टेम्परेचर आपको रखना होगा 135 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आपको रखना होगा 31 PSI। टेम्परेचर रखना होगा 135 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर रखना होगा वो रखना होगा 31 PSI। टेम्परेचर जो होना होगा वो 135 डिग्री और जो प्रेशर होगा वो होगा 31 PSI, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं वैक्यूम ऑटोक्लेव के लिए। हमारे पास ये कंडीशन है जिसमें कि हम लोग पहले 3 प्री वैक्यूम पल्स देते हैं, एक देते हैं 45 मिनट, अगर आपको 45 मिनट रखना है अपना, ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस और 15 PSI होगा। दूसरा अगर आपको 30 मिनट रखना है तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर 135 डिग्री होगा और प्रेशर आपका होगा 31 PSI। ये दो कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए थे उनमें इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑटोक्लेव प्रोसेस जो होता है ये उसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं। ऑटोक्लेव प्रोसेस दो प्रकार से करवाया जाता है, या तो आप ग्रेविटी फ्लो से करवा रहे हैं या फिर वैक्यूम फ्लो से करवा रहे हैं। अगर आप ग्रेविटी फ्लो से करवा रहे हैं तो वहाँ पे 3 रेसिडेंस टाइम की कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप रेसिडेंस टाइम शॉर्ट करते रहेंगे आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, प्रेशर बढ़ाना होगा। तो इसी सिलसिले में अगर हम लोग रखते हैं रेसिडेंस टाइम को 60 मिनट, तो हम लोग को टेम्परेचर रखना होगा 121 डिग्री सेल्सियस और 15 PSI। किस में? ग्रेविटी फ्लो में, ठीक है। अगर हम लोग रखते हैं 45 मिनट ग्रेविटी फ्लो में ही, तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 135 डिग्री होगा और प्रेशर होगा 31 PSI। इसी प्रकार से अगर हम लोग रखते हैं 30 मिनट तो हमारा टेम्परेचर अब की बार हो जाएगा 149 और प्रेशर हो जाएगा 52 PSI। बट इन द केस इफ वी कंसिडर अ वैक्यूम ऑटोक्लेव, वैक्यूम ऑटोक्लेव में दो रेसिडेंस टाइम हमारे पास अवेलेबल हैं। पहले तो हम लोग को एक प्री वैक्यूम पल्स, 3 प्री वैक्यूम पल्स देनी होंगी ताकि सारी जो एयर प्रेजेंट है सॉलिड वेस्ट के साथ वो रिमूव हो जाए और वो इंटरफेयर ना करे किसी भी प्रकार से। उसके बाद हम लोग अगर रेसिडेंस टाइम को रखते हैं 45 मिनट तो टेम्परेचर होगा 121 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होगा 15 PSI। जबकि अगर हम लोग रेसिडेंस टाइम को हम लोग रखते हैं 30 मिनट तो जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो होगा 135 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो होगा होगा वो होगा 31 PSI, ठीक है। तो ये हमारे पास है 3 वैक्यूम पल्स, ये हमारे पास है वैक्यूम ऑटोक्लेव। तो इसी तरह से ऑटोक्लेव के जो होते हैं दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारे पास होता है ग्रेविटी फ्लो, दूसरा जो होता है वो होता है वैक्यूम ऑटोक्लेव। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं फॉर ऑटोक्लेव। उसके बाद अगर बात करी जाए और किसी चीज़ की, तो एक छोटा सा इसमें प्रोसेस बच जाता है डीप बरियल, ठीक है। जब या तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है इंसिनरेशन का, या फिर अगर आप इंसिनरेशन कर चुके हैं और उसकी ऐश है तो उसको आपको या तो आप किसी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इंडस्ट्री में नहीं तो उसका डीप बरियल किया जा सकता है कि बहुत गहरे गड्ढे में गाड़ा जाता है उसको, ठीक है। वो कितना होना चाहिए? तो इसमें जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है, अ पिट और ट्रेंच शुड बी डग अबाउट 2 मीटर्स डीप, ठीक है, 2 मीटर गहरा होना चाहिए। इट शुड बी हाफ फिल्ड विद वेस्ट देन कवर्ड विद लाइम, आधा उसमें वेस्ट होना चाहिए फिर उसमें लाइम होना चाहिए। लाइम की जो विड्थ है वो 50 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए और बाकी विड्थ को फिर हम लोगों को सॉइल से भर देना चाहिए। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं, अगर हम लोग डीप बरियल कर रहे हैं मतलब गहरे अपने जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसे, या फिर जो उसकी ऐश बचती है उसको हम लोग डीप बरियल कर रहे हैं या फिर गहरा गड्ढा खोद रहे हैं, तो उसकी गड्ढे की मिनिमम जो डेप्थ होनी चाहिए 2 मीटर और आधा जो है वो गड्ढा वेस्ट से होना चाहिए और उसके बाद 50 सेंटीमीटर का लाइम उस पर डालना चाहिए और उसके बाद जो बच जाएगा हाइट बच जाएगी उसमें हम लोग को सॉइल रखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जब भी हम लोग उसमें वेस्ट डालेंगे 10 सेंटीमीटर के सॉइल हम लोग उसमें डालना है, ये कंपलसरी होता है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि ग्राउंड मीटर जो है कम से कम उस गड्ढे की लास्ट की जो हाइट है वहाँ से 6 मीटर नीचे हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं। ओके
ओके सो कंडीशंस फॉर डीप बरियल, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल कंडीशन है, एक गड्ढा खोदना है जिसकी हमारे जो हाइट है वो 2 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आधा जो 1 मीटर तक इसमें सॉलिड वेस्ट या फिर जो भी हमारा वेस्ट है, ऐश है, कुछ भी कह लो, जो हम लोग इसमें रखना चाहते हैं वो यहाँ पे हमारे पास आएगा। 50 सेंटीमीटर का इसमें फिर जो है लाइम आता है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर का, और बाकी बचे हुए जो हाइट बच जाती है उसमें सॉइल हम लोग इसमें फिल कर देते हैं। उसके अलावा जब भी इसमें हम लोग को नया कुछ वेस्ट डालना होगा तो 10 सेंटीमीटर का सॉइल कम से कम, ठीक है, जब भी हम लोग को नया वेस्ट इसमें डालना होगा तो 10 सेंटीमीटर का सॉइल हम लोगों को, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फिर से कुछ वेस्ट डाला तो 10 सेंटीमीटर का सॉइल फिर इसके ऊपर हम लोगों को एक लेयर बिछानी होगी सॉइल की, ठीक है। उसके अलावा एक बात का ध्यान ये रखना होता है कि जहाँ पे इसका बॉटम है, जो गड्ढा खोदा है वहाँ से, और जो पानी का ग्राउंड वाटर लेवल है, एटलीस्ट 6 मीटर होना चाहिए ताकि पानी यहाँ पे लीक, सॉरी, वेस्ट और पानी का जो है मिक्सर ना हो और ग्राउंड वाटर जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं हमारे पास डीप बरियल की। तो सॉलिड ओके बायोमेडिकल वेस्ट जो है, बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर एक कानून बना था जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो हमारे पास बना था बायोमेडिकल वेस्ट का 1998 में। इसी तरह से अगर बात करें कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के ऊपर एक्ट जो बना था वो बना था हमारे पास 2000 में, जिसको फिर बाद में अमेंडमेंट किया गया था नए नाम से और बाकी कंडीशन भी कुछ चेंज की थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2016, ठीक है। तो ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके तो इसमें वीडियो में हम लोगों ने बायोमेडिकल वेस्ट की 3 टेक्निक्स पढ़ी थी, इंसिनरेशन पिछली वीडियो में पढ़ा था, इसमें 2 टेक्निक पढ़ी थी, जिसमें पहला जो नाम था वो था प्लाज्मा पायरोलिसिस या फिर गैसिफिकेशन, जहाँ पे जो गैस का रेसिडेंस टाइम है 2 सेकंड रखा जाता है, टेम्परेचर 1050 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और कंबशन एफिशिएंसी वही 99%, स्टैक हाइट भी 30 मीटर होनी चाहिए कम से कम। सेकंड जो टेक्निक थी वो ऑटोक्लेव थी, ऑटोक्लेविंग 2 पार्ट 2 तरीके से होती है, एक होती है ग्रेविटी फ्लो, एक होती है वैक्यूम। जो ग्रेविटी फ्लो था वहाँ पे 3 कंडीशन थी कि अगर आपको अपना रेसिडेंस टाइम 60 मिनट रखना है तो टेम्परेचर 121, प्रेशर 15 PSI, अगर आपको टेम्परेचर रेसिडेंस टाइम 45 मिनट रखना है तो टेम्परेचर 135 और प्रेशर जो है 31 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपको 31 PSI, और अगर आपको अपना रेसिडेंस टाइम 30 मिनट रखना है तो टेम्परेचर 149 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 52 PSI। उसके बाद सेकंड हम लोग ने पढ़ा था वैक्यूम ऑटोक्लेव, वैक्यूम ऑटोक्लेव में 2 कंडीशन थी कि अगर आपको अपना रेसिडेंस टाइम 45 मिनट रखना है तो टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 15 PSI। सेकंड कंडीशन थी कि अगर आपको अपना टेम्परेचर जो है, सॉरी, रेसिडेंस टाइम जो है 30 मिनट रखना है तो उस केस में टेम्परेचर जो होगा वो हमारा 135 डिग्री और प्रेशर होगा 31 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम लोगों ने देखा डीप बरियल, डीप बरियल में जो हमारा गड्ढा खोदते हैं हम लोग वो कम से कम 2 मीटर होना चाहिए, वहाँ से ग्राउंड मीटर की डिस्टेंस एटलीस्ट 6 मीटर होनी चाहिए, गड्ढा आधा सॉलिड वेस्ट से भरा होना चाहिए, उसके बाद 50 सेंटीमीटर लाइम की एक लेयर बिछानी चाहिए, और जो बची हुई डेप्थ होती है गड्ढे की फिर उसमें सॉइल भर देना चाहिए। उसके अलावा जब भी वहाँ पे सॉलिड वेस्ट हम लोग डालेंगे या फिर कुछ भी ऐश इस तरह से रिलेटेड सब्सटेंस वहाँ पे डालेंगे तो उसके ऊपर कंपलसरी 10 मीटर की हम लोगों को सॉइल बिछाना है। और लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आया कब था 1998 में, जबकि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आया था 2000 में, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट अमेंडमेंट होकर आया था म्यूनिसिपल 2000 वाला ही 2016 में। तो इन्हीं जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा है, एटलीस्ट 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन किसी भी पेपर में जिसमें इन्वायरमेंट या फिर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे, जैसे राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जूनियर इंजीनियर, ठीक है, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर या फिर JSO की पोस्ट हो गई। उसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल जूनियर इंजीनियर में जो इन्वायरमेंट की पोस्ट है उसमें, और भी उत्तर प्रदेश में जो निकलती हैं वैकेंसी, ठीक है, दिल्ली में हो गई, उनमें ये क्वेश्चन इससे अगर इस टॉपिक से आएगा तो ज़रूर आता है। अब इसमें एक टॉपिक रह जाता है जो है कलर कोड्स, ठीक है, यानी कि किस तरह के कचरे को, बायोमेडिकल वेस्ट को हम लोग किस कैटेगरी में लाते हैं, उनका कलर क्या होता है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और डिफरेंट टाइप्स के उसमें पार्ट्स हैं, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।